नमस्कार, मेरा नाम जगतजीत सिंह पासी है और मैं 40 प्लेयर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ अपने पंजाब डिस्ट्रिक्ट से, पंजाब स्टेट से। डिस्ट्रिक्ट हमारा लुधियाना पंजाब है और आज हम पूना की इस एग्जीबिशन में पहली बार आए हैं और यहाँ पे हम अपनी एक टर्नेडो फोर्स सीरीज़ का एक प्रोडक्ट लेके आए हैं, TF600। तो इस मॉडल को हम यहाँ के जो ग्रेप्स मार्केट है, पोमोग्रेनेट मार्केट है, जो गावा मार्केट है, जो जितने भी ऑर्चर्ड्स और विनीयार्ड्स हैं उनके लिए इस प्रोडक्ट को यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। इसका खासियत ये है जी, ये इसको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ब्लोअर बोलते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड नेम है इसको एरोब्लास्ट स्प्रेइंग बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पंपिंग सिस्टम होता है, ट्रैक्टर के साथ ये मशीन लगती है और वहाँ से पंपिंग सिस्टम जो होता है वो ट्रैक्टर की PTO के साथ कनेक्ट होता है और जब PTO को हमें पर्टिकुलर RPM देके उसके बाद ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर कैलिब्रेशन होती है सारी, वो ऑटोमेटेड होता है। तो वो नोजल्स को यहाँ पे ये आप अगर देखेंगे तो ये सप्लाई दे रहा है यहाँ पे नोजल्स को, और इसके बीच में एक इसको फ़ैन बोलते हैं, तो जिसको ब्लोइंग बोल देते हैं, तो इसे लोकल लैंग्वेज में ब्लोअर बोल देते हैं इसको। तो ये यहाँ से एयर को इनटेक करता है, इनटेक करने के बाद ये यहाँ से आउटटेक करता है। तो यहाँ से जब हवा आती है तो जो एयर होती है वो एक असिस्टेंट काम करती है, असिस्ट करता है वो जो ड्रॉपलेट साइज़ होता है वो टारगेट तक पहुंचाने के लिए। तो इसमें ये जर्मनी लैकलर ब्रांड की नोजल्स लगती हैं जिसमें दो तरह का डिस्चार्ज मिलता है, तो जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस किया जा सकता है, जैसे केमिकल्स में सिस्टेमिक केमिकल आते हैं, कंटैक्ट केमिकल्स आते हैं फंजी साइड में हर अपना और अपना पेस्टिसाइड्स में। तो जो जो बीमारियां अंगूर में या अनार में लगती हैं उसको कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स इस नोज़ल की सुविधा को अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हवा का क्या काम होता है, हवा उसको डीप पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करती है। तो ये इस तरीके से मशीन वर्कआउट करती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, अभी देखिए आज की डेट में हर चीज़ बहुत लेबोरियस है, लेबर बहुत लगती है, लेबर आज की डेट में कहीं पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर देखा कहीं नहीं मिलती है। तो नासिक की जो जहाँ महाराष्ट्र की जो मार्केट है, ये यहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत एजुकेटेड हैं, तो बहुत बरसों से वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अंगूर बेल्ट है और जो अनार बेल्ट है उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्प्रे होते हैं और अगर वो स्प्रेइंग को ज़्यादा नंबर ऑफ़ करना है तो उतनी लेबर लगेगी। तो उसके लिए उसको एक मैकेनाइज प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कि अभी एक ही बंदा, एक ही ड्राइवर फार्मर खुद ही ट्रैक्टर के साथ इसको कनेक्ट करे और कनेक्ट करके लेके जाए और पीछे से जी ऑटोमेटिक पूरा कवरेज करके, एक कनोपी कवरेज करके स्प्रे करती है। तो उसमें क्या है, उसका टाइम की बचत हो जाती है, वन टाइम में वो पूरा एकड़ एक दिन में 10 से 15 एकड़ बड़े आराम से कर सकता है। इसमें रीफिलिंग सिस्टम ऑटोमेटिक है, एजिटेशन सिस्टम ऑटोमेटिक है, स्प्रेइंग ऑटोमेटिक है, ऑटो कट लगाए, ओवर प्रेशर है तब ये बंद हो जाता है। तो PTO जो इसमें होता है वो मतलब फॉलो टायर फॉलो हम बोलते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो जो ट्रैक्टर के टायर उसको फॉलो करता है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है। तो एक अपने आप में ये मशीन एक ऐसी मशीन है अभी जिसमें सारे फंक्शंस ऑलरेडी दे रखे हैं, तो जिससे क्या फिल्ट्रेशन है वो भी इसमें ऑटोमेटिक होती है। तो किसान को क्या है, अभी खाली इसके अंदर पानी डालना है और जो जिस मात्रा में दवाई डालनी है वो डालनी है और उसको ट्रैक्टर को PTO के साथ कनेक्ट करके स्टार्ट करना है और खाली स्प्रे करना है। तो उस चीज़ के लिए ये फुली ऑटोमेटिक, इसको मशीन हम बोल सकते हैं, फुली मैकेनाइज प्रोडक्ट है जिसमें क्या अभी एक ही आदमी अगर उसका मान लीजिए आज की डेट में 350 रुपये पर डे का कॉस्ट है तो वो 10 एकड़ इस मशीन के साथ कर रहा है। तो डीजल की कंजप्शन भी अगर ले लीजिए तो जो भी एक पर आवर का अगर मान लीजिए 2 लीटर का अपना है तो 150 रुपया उसका हो गया, 8 घंटे में वो अगर करता है तो 1200 रुपया उसका डीजल का कंजप्शन हो गया और 300 साढ़े 300 उसको टोटल 1550 या 1600 रुपये हो गया। तो 1650 रुपये में अगर वो देखा जाए तो 15 एकड़ बड़े आराम से कर सकता है। तो इसकी कॉस्ट आई 100 रुपये, अगर और ज़्यादा हिम्मत करेगा तो और ज़्यादा भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है भी उसका पानी का दूरी कितना, जहाँ से उसको रीफिल करके लेके आना है, क्योंकि इसकी टैंक की कैपेसिटी 600 लीटर है और अंगूर का कनोपी क्या होता है वो थोड़ा हाइट में कम होता है तो उसमें बड़ा ट्रैक्टर नहीं जा सकता। तो ट्रैक्टर कंपनियों ने इनोवेशन करके छोटे ट्रैक्टर जैसे फार्म ट्रैक ने ये एटम करके ये ट्रैक्टर बनाया है, तो ये बहुत ही कम्पैक्ट ट्रैक्टर बनाया है 22-26 HP में, इसकी हॉर्स पावर के हिसाब से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो छोटे के हिसाब से उसको जितना ये हॉलेज कर सकता है, जितना खींच सकता है उसको, उसी हिसाब से 600 लीटर का कैपेसिटी सफिशिएंट है। तो अगर देखा जाए, अगर मैनुअली उसको करना पड़ेगा, वही जो इसमें 100 रुपये की कॉस्ट आ रही है वो एक एकड़ में जो उसको हाथ ऊपर करके स्प्रे करना पड़ेगा, हाथ थक जाएगा, एंकल उसके अपने सॉरी ये रिस्ट उसके थक जाएंगे, तो उसमें क्वालिटी ऑफ स्प्रेइंग नहीं आएगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। तो उससे क्या है, उसकी कॉस्ट भी कितनी है, पर एकड़ की 500 से 600 भाई आएगी, क्योंकि एक दिन में एक दिन से ज़्यादा वो कर नहीं सकता है, फिर उसको दवाई खोलने के लिए अलग से चाहिए। तो मैनुअल स्प्रेइंग का तो आज की डेट में ज़माना है ही नहीं। तो ये प्रोडक्ट यहाँ के लोगों के हिसाब से डेवलप है, जहाँ
और उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अभी ये ज़ीरो मेंटेनेंस प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने एक 70 लीटर का टैंक दे रखा है। इस मशीन में मेंटेनेंस की इशू तब आते हैं जब फार्मर इसको इवनिंग में इसको फ्लश आउट नहीं करता है, इसकी इंटरनल क्लीनिंग नहीं करता है, टैंक क्लीनिंग और इसके सर्किट्स को क्लीन नहीं करता है। तो क्लीनिंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके लिए हमने क्या है, अभी पानी डालना होता है नॉर्मल स्प्रेयर में, तो उसके बाद क्या है उसको निकालना वो भूल जाता है नॉर्मली। तो इसके अंदर अगर मैं अगर आपको थोड़ा घूम के आए मैं दिखा देता हूँ आपको, तो इसके अंदर हमने ये ऑप्शन दे रखी है टैंक और ये सर्किट क्लीनिंग की। अगर आप यहाँ दिखेंगे तो जब तो उसको मेन टैंक से चलाना तब ये चलाएगा, जब उसको क्लीनिंग करना है तो इसको खाली शाम को ऐसे घुमाना है तो ये 70 लीटर यहाँ से पानी निकाल के पूरा इसको फ्लश आउट कर देता है। तो जिससे क्या होता है भी इसके सारे सर्किट साफ़ हो जाते हैं, जितना भी पेस्टिसाइड का रेजिड्यू होता है वो सारा निकल जाता है और पानी रह जाता है खाली। उससे क्या होता है, जो इसके ओरिंग्स होते हैं, रबर्स होती हैं या डायफ्राम्स हैं, जो क्रोजिव होती हैं केमिकल्स के साथ, तो वो ख़राब नहीं होते। और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म में चलता है और क्वालिटीज़ में जैसे हमने बहुत ही हाई एंड जो क्वालिटी हम यूज़ करते हैं, तो कुछ जो इंडिया में जो चीज़ें डेवलप नहीं हो सकती हैं उसको हम बाहर की जैसे कंपनीज हैं, उडोर है, लेकलर है, इनके साथ हमने टाई अप्स कर रखे हैं, तो उनके प्रोडक्ट्स को हम लेके हमारे प्रोडक्ट में ऐड ऑन करके उनको वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं। लेकिन अगर फिर भी इसको प्रॉब्लम आती है, कोई इशूज़ आ जाए, मैकेनिकल प्रोडक्ट है कुछ आ सकता है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डीलर नेटवर्क है। हमारे जैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे डीलर्स हैं, अभी हम और अपना दायरा यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें हमने ऑन साइट हमने इंजीनियर्स अभी हम दे रहे हैं। पहले हमने अपने डीलर्स के 2-2 हमारे उन इंजीनियर्स को ट्रेंड करा, अब उसके बाद कंपनी एंड पे हमारे इंजीनियर्स यहाँ पे हम डिप्यूट और हम उनको रिक्रूट कर रहे हैं, तो वो ऑन साइट फार्मर को जब भी कोई दिक्कत आएगी, तो जैसे हम अपने नॉर्थ इंडिया में और ईस्ट इंडिया में और साउथ इंडिया में और हम जो अब्रॉड में जहाँ जहाँ हमारी प्रेजेंस है, जो सर्विस टेक्नीशियंस और टीम हमने रखी है, वैसे ही हम अपने महाराष्ट्र के लिए और कर्नाटका के लिए इस एरिया को बेल्ट को कवर कर रहे हैं। तो इससे फार्मर को क्या सुविधा होगी कि कभी उसको कोई दिक्कत हुई ऑन साइट उसकी ये सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। प्राइस सर इसका वैसे जो 4,40,000 का हमने अभी इसका प्राइस निकाला है, लेकिन मार्केट इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो अभी हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है और अभी नेक्स्ट प्राइसिंग अभी आगे आएगी। तो फार्मर के लिए अभी 4,40 के पास आज की डेट की अगर हम बात करें तो उसके प्राइस में हमने इसको लॉन्च किया है। कॉन्टैक्ट पर्सन सर हमारा हेड ऑफिस में जैसे हमारा नंबर है 8268990002, हिमानी शर्मा और जगदीप सिंह हमारा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, उसका नंबर 8268990001 है। और कंपनी का वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे जाके भी कस्टमर इसको देख सकता है। और वहाँ से हम अपने जो नेटवर्क के जो डीलर्स हैं जिस जिस एरिया के होंगे उनको हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे या उनको हम उनके कॉन्टैक्ट दे देंगे, ताकि लोकली वो सर्विसेज प्रोडक्ट की और प्रोडक्टों को लोकली बाय कर सकें।